अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नो फेसबुक के चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम एक गैर हल शुदा राज में डूबते हैं जिसने कई दहाइयों से तफ्तीशकारों को परेशान कर रखा है। अपने आप को नामालूम की गहराइयों में सफ़र के लिए तैयार करें। तारीख के अंधेरों में एक कहानी छुपी हुई है, ये गायब होने वाला वैनिशिंग मैन्युस्क्रिप्ट का राज है। ये वैनिशिंग मैन्युस्क्रिप्ट, जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि कदीम राजों की कुंजी है, एक तवील अरसे से भूली हुई लाइब्रेरी के आर्काइवों से बगैर किसी निशान के गायब हो गए। स्कॉलर्स ने अपनी ज़िंदगियां इसके खुफिया मवाद को समझने के लिए वक्फ कर दी, क्योंकि ये अफवाह थी कि इसके पास ऐसा इलम है जो इंसानियत के दहाड़े को बदल सकता है। गायब होने वाला वैनिशिंग मैन्युस्क्रिप्ट की गुमशुदगी ने आलमी जुनून को जन्म दिया। तफ्तीशकार हैरान रह गए, क्योंकि इन्होंने ऐसी लीड्स का ताकब किया जिसकी वजह से मौत वाकया हो गई। वैनिशिंग मैन्युस्क्रिप्ट की पगडंडी ने हमें पोशीदा माशरों, कदीम अलामतों और सरगोशियों वाली दास्तानों के ज़रिए रहनुमाई की, लेकिन सच्चाई मबहम है। गायब होने वाले वैनिशिंग मैन्युस्क्रिप्ट में ऐसे राज हैं जिनकी ख्वाहिश इन लोगों ने की थी जो इसकी ताकत हासिल करने के लिए किसी भी चीज़ से बाज नहीं आएंगे। लेकिन ये सायदार शख्सियत कौन थी? वैनिशिंग मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर खुफिया करदा पैगामात पोशीदा थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा हुनरमंद कोड ब्रेकर को चैलेंज किया। इन खुफिया तहरीरों में क्या राज पोशीदा हैं? हमारी तहकीकात हमें कदीम खंडरात से लेकर पोशीदा लाइब्रेरियों तक पूरी दुनिया में लेकर गई। हर कदम ने हमें सच्चाई के करीब लाया, लेकिन ख़तरा साए में छुपा रहा। गायब होने वाले वैनिशिंग मैन्युस्क्रिप्ट की तलाश वक्त के ख़िलाफ़ एक दौड़ बन गई, क्योंकि तारीख कुवतों ने अपने मजमूम मकासद के लिए इसकी ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश की। इस छुपे हुए हुजरे के अंदर हमने एक भूले भाले माशरे की बाकियात दरियाफ्त की। क्या वैनिशिंग मैन्युस्क्रिप्ट के पीछे की हकीकत यही थी? कदीम आसार ने फरामोश शुदा तहजीबों की कहानियाँ सुनाई और ऐसे राजों की हिफाजत की जो तारीख के बारे में हमारी समझ को नई शक्ल दे सकती है। लेकिन सच्चाई कीमत पर आती है, जैसा कि हमने इसरार की गहराई में जाना। हमने महसूस किया कि कुछ राजों का कभी पर्दाफाश नहीं होता। गुमशुदा वैनिशिंग मैन्युस्क्रिप्ट एक राज बनी हुई है, वक्त के सामने खो गई। इसका ठिकाना और इसके पास मौजूद इल्म इन लोगों को परेशान करता रहता है जो इसकी सच्चाई तलाश करने की हिम्मत करते हैं। जैसा कि हम नो फेसबट के इस बाब को ख़त्म करते हैं, हम आपके लिए एक तवील सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या गायब होने वाला वैनिशिंग मैन्युस्क्रिप्ट कभी दोबारा सामने आएगा, या ये हमेशा के लिए सरार के अथा गड़े में गुम रहेगा? अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।